कुरवाई में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी विद्यालय की छत की सीमेंट गिर जाने से 4 छात्राएं घायल हो गई, जिसके तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। छात्राओं के सर और हाथ में चोटें आई है, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में किया गया। घटना की जानकारी लगते ही तहसीलदार अवधेश यादव, जनपद CEO पंकज जैन, थाना प्रभारी ब्रजेंद्र मास्कुले, क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्रे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायल छात्राओं के बात की और डॉक्टर को उचित इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कुरवाई से सानू खान की रिपोर्ट। स्कूल में घटना हुई है, उसमें कितने छात्र छात्राएं घायल हुई हैं? 4 बच्चियां आई हुई हैं जी, और सभी मामूली घायल हैं। 2 बच्चियों को हाथ में चोट है, उनका अपन एक्सरे करवा रहे हैं, और 1 बच्ची को सिर में चोट है। तो सभी को ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। किसी को गंभीर चोट आने का अंदेशा? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो क्या नाम है सर आपका? देसराज सिंह ठाकुर। आप कौन से पद पे हैं? मैं प्रभारी प्राचार्य। तो ये क्या घटनाक्रम हुआ है? ये क्या है, रूम नंबर 1 में 9th क्लास लगी थी, तो अचानक सीलिंग गिर गई, तो जो आंग बच्ची थी जहाँ पर गिरी थी, 4 छात्राओं को थोड़ी चोट आ गई। अच्छा सर, तो ये पुराना भवन है या इसका नया निर्माण हुआ था? नहीं, ये बिल्डिंग पुरानी है। तो इसके बारे में आपने पहले कोई अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी कोई लग वो नहीं था कि ये लग? तो इसमें बराबर क्लासेस में कंटिन्यू लगती थी या इसको आज ही लग? अभी तो कंटिन्यू लगती थी उसी भवन में। नहीं, उसी भवन नहीं, भवन तो पूरे में लगती है। नहीं, जिस भवन की अभी जिस कमरे की ये दीवार गिरी, ऊपर से छज्जा गिरा है, तो क्या इसमें पहले से ही किताब उसमें क्लास लगती थी? इसमें 9th क्लास लगी थी इसमें। आज ही लगी थी या 12th लगती थी इसमें? अभी क्या है, उसमें पेपर चल रहा था कॉलेज वालों का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।